उस पार्ट को बोलते हैं जो मेनली किससे होता है मैग्नेटिक फील्ड से बैकवर्ड रेस तो हमारी ये सारी कहलाती है अल्फा बीटा गामा लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है वो हमारा कौन सा पार्ट होता है बीटा रेस वाला पार्ट होता है कहते हैं जब भी बीटा डी होगा तो तीन तरीके से होता है लेट मी डिस्कस वन बाय वन तो पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो सपोज एक्स इज अवर पेरेंट एटम एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास अब जो डॉटर एटम बनेगा दिस इज बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन ई माइनस वन जीरो जब ये निकलेगा तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो वन से इंक्रीज हो जाएगा और मास नंबर एज इट इज रहेगा प्लस न्यूट्रिनो देखिए ये इक्वेशन बैलेंस्ड है ठीक है ये कैसे होता है क्या प्रोसेस है मेनली इसका तो जो आपका पेरेंट आइटम है उसके न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन नीचे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है जो न्यूट्रॉन है वो किसमें कन्वर्ट होता है प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन दैट इज बीटा पार्टिकल प्लस न्यूट्रीनो न्यूट्रीनो ठीक है अब क्या कहता है अगर हमारी लार्ज पार्ट ऑफ एनर्जी किसके पास है बीटा पार्टिकल के पास है क्योंकि लार्ज एनर्जी एमिट होती है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी न्यूट्रिनो के पास होगी सो नेक्स्ट इज पॉजिट्रोन एमिशन अब पॉजिट्रोन एमिशन में क्या होता है दिस इज नेगेटिव बीटा पार्टिकल दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन एमिशन दिस इज पॉजिटिव बीटा पार्टिकल दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉजिट्रोन एमिशन दैट इज पॉजिट्रॉन क्या होता है हमारा प्लस 1 e 0 अब देखिए इसमें से जब प्लस 1 e 0 निकलेगा तो क्या होगा नंबर 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 डिक्रीज हो जाएगा से और मास मास तो पे कोई इफेक्ट नहीं होता अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है प्रोटोन कन्वर्ट होता है ऊपर हमारा न्यूट्रोन कन्वर्ट हो रहा था न्यूक्लियस से अब यहाँ इसके न्यूक्लियस का प्रोटोन कन्वर्ट होता है किसमें न्यूट्रोन प्लस बीटा पार्टिकल प्लस न्यूट्रिनो ठीक है तो इसके अंदर क्या हुआ जो प्रोटोन है न्यूक्लियस के अंदर का वो चेंज हुआ किसमें एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज बीटा पार्टिकल नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ एमिशन इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर कैप्चर से ही पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन हमारा शुरू में ही रिएक्शन में यूज हुआ उसने पहले इलेक्ट्रॉन को ले लिया अपने अंदर पेरेंट एटम ने तो ये हमारा पेरेंट एटम है एक्स एटॉमिक नंबर Z मास नंबर एक इसने कैप्चर किया किसको इलेक्ट्रॉन को दैट इज P माइनस वन जीरो जब हम इन्हें कंबाइन करते हैं तो हमारा जो डॉटर एटम होता है तो डॉटर न्यूक्लियस होता है उसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज इंक्रीज बाय सॉरी इसे कंपनसेट करेंगे तो डिक्रीज बाय वन तो Z माइनस और मास नंबर रिमेन्स अनचेंज प्लस न्यूट्रिनो तो इस प्रोसेस के अंदर भी क्या हुआ प्रोटोन ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया और क्या बनाया न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रीनो न्यूट्रीनो एक ऐसा पार्टिकल है जिसका कोई चार्ज नहीं होता जिसका कोई मास नहीं होता नाउ तो इसके अंदर यही हुआ प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस का वो चेंज हुआ किस में न्यूट्रॉन में बाय कैप्चरिंग है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ठीक है और क्या प्रोड्यूस हुआ न्यूट्रीनो इज तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर के अंदर मेनली क्या होता है एक्सरे एमिशन क्योंकि क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन हमारा आएगा तो वो रिप्लेस करेगा K के शेल के इलेक्ट्रॉन को या फिर इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो वो के शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा वैकेंसी क्रिएट होगी उस वैकेंसी को फिल करने के लिए क्या आएगा एल शेल का इलेक्ट्रॉन आएगा जब हायर से लोअर में इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो क्या होगा एनर्जी लिबरेट होगी और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी? की फॉर्म में, ठीक है? अब देखिए इसके अंदर क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज कॉम्पिटिटिव विद पॉजिट्रॉन एमिशन बिकॉज बोथ द प्रोसेस लीड टू द सेम न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन कहता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर के अंदर क्या हो रहा है हमारा पॉजिट्रॉन एमिशन हो रहा है सॉरी इलेक्ट्रॉन कैप्चर और पॉजिट्रॉन एमिशन अगर दोनों को देखें तो दोनों के अंदर सेम तरह की न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है देखो दोनों के अंदर प्रोटोन कन्वर्ट हो रहा है ठीक है आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज मोर ऑफन देन द पॉजिट्रॉन एमिशन इन हैवी एलिमेंट्स क्यों क्योंकि जो हैवी एलिमेंट्स हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है उनका जो है एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास होता है और उनका रेडियस जो होता है स्मॉल होता है ऑर्बिट बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा जो क्लोजर द्रोक्सीमेटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रमोट इंट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस तो ईजिली न्यूक्लियस के साथ इंट्रैक्शन हो जाएगा ठीक है

एज देर आर थ्री मोड्स ऑफ बीटा डी के अभी हमने ऊपर पढ़ा तीन तरीके से पढ़ा ना हमने बीटा डी के ठीक है आ, अब कहता है जो एनर्जी कंसेंट्रेशन की अगर मैं बात करूँ अलग अलग तो सबसे पहले मैं बात करी इलेक्ट्रॉन एमिशन के अंदर तो कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है ठीक है न्यूट्रॉन न्यूक्लियस uh, के पास क्या होते हैं एक्सेस न्यूट्रॉन होते हैं क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन ही तो कन्वर्ट हुआ था ऊपर देखिए हमने क्या बोला था

Suppose, Q of हमने मान लिया एम पी जो है मास है अगर मैं बात करूँ लेफ्ट और राइट साइड पे तो देखिए एम सी स्क्वेर होती है हमारे यहाँ एनर्जी सिर्फ मैं न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रही हूँ ठीक है न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर क्या होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे एम तो हमने टोटल मास बोला है पेरेंट एटम का तो पेरेंट एटम के मास में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन तो का मास माइनस कर दूंगी तो न्यूक्लियस का मास आ गया इनटू c2 फिर डॉटर एटम का मास में से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितने डॉटर एटम के पास z+1 z+1 मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज एम तो ये मास ऑफ न्यूक्लियस आ गया किसका डॉटर एटम का सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एनर्जी आ गई प्लस अब बीटा पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन है तो एम ई सी स्क्वायर न्यूट्रिनो को नहीं लेकर चलेंगे क्यू आपने लिख दिया टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा क्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर ये आपके पास आएगा नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी और यहाँ पे जो मास होना चाहिए पेरेंट एटम का हमेशा ग्रेटर होगा डॉटर एटम से ही बात है पेरेंट्स में से स्प्लिट तो मास ऑफ ऑफ पेरेंट एटम मस्ट एटम मस्ट बी ग्रेटर देन द मास डॉटर एंड जो एनर्जी निकलेगी वो शेयर होगी किस में बाय द डॉटर एटम बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो तीनों में शेयर होगी न्यूट्रीनो के पास एनर्जी जरूर होती है उसके पास मास नहीं होता चार्ज नहीं होता बट उसके पास एनर्जी होती है यहाँ पे

for the positron emission to take place mass of parent atom must exceed the mass of daughter atom at least twice the mass of electron Parent atom का mass daughter atom से ज्यादा होना चाहिए कितना ज्यादा होना चाहिए टू एम ठीक है नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर आप देखिए हमने ये पढ़ी थी अभी पीछे इक्वेशन इलेक्ट्रॉन कैप्चर की इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है और ये भी मैंने एक्सप्लेन किया अभी आपको कि अगर एटॉमिक नंबर हमारा Z है पेरेंट एटम का हाई एटॉमिक नंबर है Z तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास लाई करेगा ठीक है अब न्यूक्लियस से के पास लाई करेगा तो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट से न्यूक्लियस ने ले लिया के ऑर्बिट से न्यूक्लियस ने ले लिया तो अब जो के में वैकेंसी क्रिएट हुई वो कौन फिल करेगा एल वाला एल वाला जम्प करेगा में के में तो एल से के में ट्रांजिशन हुई जब ये एल के ट्रांजिशन होती है उस दौरान हमारी क्या प्रोड्यूस होंगी ट्रांजिशन के दौरान आर एमिटेड तो यही है हमारा यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ तो डॉटर एटम हमारा मिला जिसका एटॉमिक नंबर z माइनस वन हो जाएगा मास नंबर एक्स एक्सरे मिलेंगी और न्यूट्रिनो, तो एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलेगी रे की फॉर्म में अब फिर वही है एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं तो मास ऑफ पेरेंट एटम इंटू सी स्क्वे मास ऑफ डॉटर एटम इंटू सी स्क्वे प्लस एनर्जी सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं हम तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आएगी एम पी माइनस एम डी इंटू सी तो कहता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए मास जो है पेरेंट एटम का वो ग्रेटर होना चाहिए डॉटर एटम से नेक्स्ट टॉपिक इज़

दोनों के अंदर अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ेस बाय इन बोथ पॉजिट्रॉन एमिशन एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर अगर मैं डॉटर एटम के एटॉमिक नंबर की बात करूं तो दोनों के अंदर एटॉमिक नंबर जो है डिक्रीज होता है वन से बट इन पॉजिट्रॉन एमिशन प्रोटोन चेंजेस इन टू न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन एमिशन के अंदर प्रोटोन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर विद द एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन लेकिन इलेक्ट्रॉन कैप्चर में प्रोटोन चेंज होता है न्यूट्रॉन में बाय कैप्चरिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ठीक है उसके अंदर वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है और अगर मैं बात करूं एमिशन ऑफ इसके अंदर क्या होता है पॉजिट्रॉन uh, एमिशन के अंदर न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस विद द एमिशन ऑफ प्रोटॉन

कुछ केसेस में दोनों चीज़ें देखी जाती हैं देखिए फॉर एग्जाम्पल ये जिंक दिया हुआ है कन्वर्ट होता है तो एक पॉजिट्रॉन एमिट किया इसने प्लस इसनेजी फिर क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है ये इस तरीके से भी हो सकता है ये फिनोमेना इलेक्ट्रॉन कैप्चर सेम मिला हमें रिजल्ट देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कैप्चर एंड एमिशन आर सेट टू विद ईच अदर दोनों के पॉसिबल है क्योंकि दोनों की वजह से जो डॉटर है वो सेम मिल रहा है ठीक है नेक्स्ट इज बीटा पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर अब ये क्या होता है बीटा पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसको हम यूज करते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीटा पार्टिकल एमिटेड बाय द रेडियो सब जो रेडियो एक्टिव सब से बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है उसकी कितनी एनर्जी है क्या क्या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है उसका कितनी कितनी एनर्जी हो सकती है किस किस एनर्जी के बीटा पार्टिकल हमें मिल सकते हैं मेनली जो इसकी वर्किंग है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ये किस पे बेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड पे जो बीटा पार्टिकल का एमिशन है मेनली ये किस पे बेस्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड पे तो इसका मतलब उसके अंदर डिफ्लेक्शन होगी ठीक है डिफ्लेक्शन होगी चार्ज पार्टिकल्स की अलोंग सर्कुलर पाथ अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे लगाएंगे तो चार्ज पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में फॉलो करें मूव करेंगे नाउ अगर मैं फिगर 6.16 देखिए इसके अंदर हमने बीटा पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर लिया है इसको हमने एवेक्वेटेड चैम्बर में रखा है मतलब बाहर से कोई लेना देना नहीं है इस रेडियो एक्टिव सबस्टांस को विच इज सोर्स ऑफ बीटा पार्टिकल इसको हमने कोट किया है फाइन वायर के ऊपर ठीक है, है, और मैंने के पास रखा हुआ ये फिगर में देखिए के पास रखा हुआ है। ये फिगर में L, L के पास रखा हुआ है, है। अब अब क्या होगा? बीटा पार्टिकल का तो यहां से निकलेगा, ठीक में दिखाया नहीं हुआ कह रहा है यहाँ नैरो प्लेन ऑफ पेपर वो दिखेगी नहीं ऊपर की तरफ लगाई हुई है जिससे कि जो फाइन बीम आए हमारे पास बीटा पार्टिकल दूसरी साइड हमने गीगर मूलर काउंटर लगाया हुआ है जस्ट दैट इज जी ठीक है विद इट्स माइका शीट कवर्ड विंडो इन द सेम प्लेन ठीक है इसके अंदर माइका शीट होती है ठीक है सेम प्लेन में इसको भी रखा हुआ है जितने जैसे कि स्लिट एस वन को रखा हुआ है इसकी जो माइका शीट होती है कहते हैं जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई की जाएगी इस पर ठीक है विच इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर तो क्या पहली बात तो ये पता होनी चाहिए जो पर्पस है लेड ब्लॉक का यहाँ पे लेड ब्लॉक भी लगाया ना इसके रास्ते में क्यों लगाया कि डायरेक्टली रेज ना जाए यहाँ से नहीं तो बाकियों को इंटरफेयर करेंगे ठीक है तो यहाँ से रेस जाएंगी और हीगर मुलर काउंटर काउंट करता रहेगा उसकी वेलोसिटी जो भी ठीक है सपोज मैंने v मान ली स्पीड है Field, जब apply to the plane of paper, तो बीटा पार्टिकल इज एमिटेड जब मैं अप्लाई करूंगी पर हम थम रूल भी लगा के देख सकते हैं तो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे उस टाइम उस पर कौन सी फोर्स लगेगी सेंट्रिपिटल फोर्स इज एम स्क् एक फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो दोनों बैलेंस होंगी तभी तो वो इजिली मूव करेगा सर्कुलर पाथ में तो जो एम वी स्क्स के बीटा पार्टिकल ई e ले लिया हमने यहाँ पे बी की वैल्यू निकाली बी आर बाय अब मैं कहती हूं अगर मास एम है बीटा पार्टिकल का रेडियस आर है सर्कुलर पाथ का तो कॉनेटिक एनर्जी जो होगी बीटा पार्टिकल की हम आर भी निकाल सकते हैं अगर हमें वी पता हो तो वी एम बाई बी हो जाएगा

द पोजिशन ऑफ जीएम ट्यूब कैन बी एडजस्टेड टू रिसीव दॉल कहते हैं अगर सेम से आ रही है तो इजिली अवेलेबल है अगर अलग अलग रेडियस की आ रही है तो हम क्या करेंगे जीएम काउंटर की पोजिशन को चेंज कर देंगे ठीक है और सारी बीटा पार्टिकल को कैच कर लेंगे ठीक है क्योंकि सेम प्लेन में तो आएंगी द बीटा पार्टिकल मूविंग एलोंगर सर्कुलर पार्थ ऑफ डिफरेंट रेडियन बी रिसीव ठीक है फिर अलग अलग रेडियस के भी हम रिसीव कर लेंगे कहते ये जो पार्टिकल हैं करस्पोंडिंग टू बीटा पार्टिकल ऑफ डिफरेंट स्पीड्स इनके जो अलग-अलग जगह मिल रही हैं किस वजह से मिल रही हैं क्योंकि उनकी स्पीड अलग है नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एंटर एंटरिंग जीएम ट्यूब इज सेम द टाइम आर काउंटेड बाय द चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द ट्यूब यदि अगर बीटा पार्टिकल जो जीएम ट्यूब के अंदर आ रहे हैं वो सेम है सेम टाइम पर आ रहे हैं ठीक है थीके? तो पोजीशन ट्यूब की पोजीशन चेंज कर करके हम फटाफट उन्हें ले सकते हैं कहता है जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का करस्पॉन्डिंग टू जी एम ट्यूब कैन ऑल्सो भी मेजर एंड जो अभी पीछे इक्वेशन निकाली है उसके अल्पे हम रेडियस मेजर कर सकते हैं ठीक है अब अगर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे आ रहे हैं तो उसको तो अलग अलग पोजीशन पे हम उसकी वेलोसिटी या अलग अलग पोजीशन पे रेडियस निकालना है तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं अब हम क्या करते हैं इन सारी वैल्यूज को लेके कर्व ड्रॉ करते हैं किस किस के बीच में नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल और एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल ठीक है तो ये जो कर्व है ये कहलाता है बीटा स्पेक्ट्रम ठीक है जो फिगर में शो किया हुआ है द स्टडी ऑफ बीटा स्पेक्ट्रम रिवील्स अब हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो इसके इसके थ्रू हम क्या क्या देखते हैं एक तो ये कंटिन्यूस कर्व है, सारी एनर्जी जैसे जीरो से मैक्सिमम और जो मैक्सिमम एनर्जीओ से हम कहते हैं एंड पॉइंट एनर्जी, जो शेप है कर्व की इन लो एनर्जी रीजन इस शोन बाय डॉटेड लाइंस, डॉटेड लाइंस से शो की जा रही हैं, क्यों

ठीक है वो किस पर डिपेंड करेगा सब सोर्स ऑफ बीटा पार्टिकल कितना आपने लिए इन एडिशन टू कंटीन्यूअस प्राइमरी स्पेक्ट्रम कुछ बीटा पार्टिकल्स इसी के अंदर स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ-कुछ हमें शार्प लाइंस भी मिल जाती हैं कई-कई जगह पे ठीक है और इस ये तो मिलता ही मिलता है साथ-साथ शार्प लाइंस भी मिल जाती है ठीक है उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा जो अलग से हमें लाइन्स मिलती हैं इस फिगर में शो नहीं है ठीक दिस ऑल अबाउट बीटा पार्टिकल स्पेक्ट्रम नाउ न्यूट्रिनो थ्योरी अब इस स्पेक्ट्रम से उसने न्यूट्रिनो थ्योरी को बताया ठीक है क्या कहते हैं न्यूट्रिनो थ्योरी के बारे में वो कहते हैं जितने भी बीटा पार्टिकल्स हैं ठीक है ठीके? वो क्या करेंगे कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करेंगे और स्टार्टिंग होगी कुछ ना कुछ उनकी इनिशियल एनर्जी भी होगी कहते हैं ये देखा गया जो बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं वो सारी रेंज की एनर्जी में मिल रहे हैं हमें इसकी वजह से हमें कॉन्टीन्यूस बीटा स्पेक्ट्रम मिला जैसे कि हमने देखा था फिगर में सारी एनर्जी के मिले थे तो हमें ये कॉन्टीन्यूस बीटा स्पेक्ट्रम मिला कहता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठीक है कि एक्सपेरिमेंटली तो हमें सारा मिला लेकिन जो इनिशियली uh, जो सारे बीटा पार्टिकल थे हम बोल रहे थे सेम इनिशियल एनर्जी होगी इनकी लेकिन हमें तो सारी एनर्जीज मिली कहते हैं ऐसा क्यों हुआ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये देखा गया सबसे पहले जो बीटा पार्टिकल इनिशियली एमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी इनिशियली जो हमें बीटा पार्टिकल मिल रहे थे एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया उनकी एनर्जी ज्यादा थी दैट इज एंड पॉइंट एनर्जी ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ जैसे जैसे बीटा पार्टिकल डिस्टेंस कवर करते जा रहे हैं जैसे हम बाद में जीएम काउंटर को मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब उस एनर्जी का कहीं यूज हो रहा है तभी हमें दूसरे पॉइंट पे मिल रहे हो ठीक है तो ये क्या कहता है वो कहता है इनिशियली तो हमें बीटा पार्टिकल मिले उनके पास मैक्सिमम एनर्जी थी वो थी एंड पॉइंट एनर्जी लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुआ जिसकी वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिली एनर्जी तो इसको 1933 में इस एनॉमली को सक्सेसफुली किया गया ठीक है क्या बोला उसने फर्मी ने इसको रिजोल्व किया फर्मी ने एक नई छोरी दी ठीक है वो किस पे बेस थी पॉलिटिनो हाइपोथेसिस इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जब भी बीटा पार्टिकल डिसइंटीग्रेशन होता है तो एक नया पार्टिकल भी होता है साथ में दैट इज न्यूट्रिनो दैट इज एमिटेड अलोंग विद द बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसका कोई चार्ज नहीं होता कोई मास नहीं होता लेकिन उसका स्पिन होता है दैट इज एच कट बाय टू तो न्यूट्रिनो थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी बीटा डिसइंटीग्रेशन होता है ठीक है इट इज अ बाय डिस्क्रीट बीटा डिसंटिगेशन क्यू विच करेस्पॉन्ड टू एंड पॉइंट एनर्जी ऑफ बीटा स्पेक्ट हमें बीटा पार्टिकल मिलता है जिसकी एनर्जी क्यू होती है दैट इज एंड पॉइंट एनर्जी और जब यह डिसंटिगेशन होता है तो ये एनर्जी जो है शेयर होती है किस किस के बीच में बीटा पार्टिकलो के बीच में और रिकॉर्डिंग न्यूक्लियस के बीच में तो एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये देखा गया अगर बीटा पार्टिकल के पास एंड पॉइंट एनर्जी से अलग एनर्जी है तो बाकी एनर्जी किसके पास मिलेगी न्यूट्रिनो के पास अगर सारी एनर्जी है तो कोई बात ही नहीं है एंड पॉइंट एनर्जी के बराबर है तो कोई बात ही नहीं है अगर उससे कम आ रही है तो बाकी एनर्जी कहाँ गई न्यूट्रिनो के पास अगर न्यूट्रिनो के पास कुछ एनर्जी नहीं है तो बाकी एनर्जी किसके पास मिलेगी इलेक्ट्रॉन के पास बीटा पार्टिकल के पास इसी वजह से हमें सारी एनर्जीज मिली बीटा स्पेक्ट्रम में फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिम और हमें कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम मिला कहते हैं इट शुड बी नोटेड दैट द न्यूट्रिनो फॉर कंपेन पार्टिकल विच इज एमिटेड बाय द बीटा पार्टिकल इज यूज इन जनरल सेंस ये हम पढ़ चुके हैं सारा देखिए वही चीज इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं तीनों टाइम में जब हमारा इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है या पॉजिट्रॉन एमिशन हो रहा है या इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है तीनों केस में न्यूट्रिनो निकल रहा है और ये ऊपर बार लिखा है दिस इज एंटी न्यूट्रिनो एंटी पार्टिकल है न्यूट्रिनो का ही एंटी पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो और कुछ नहीं सो so, जब भी हमारी अगर ज्यादा एनर्जी बीटा पार्टिकल के पास होगी तो जीरो एनर्जी होगी न्यूट्रिनो के पास लेकिन अगर बीटा पार्टिकल के पास कम एनर्जी है तो बाकी बची हुई एनर्जी कहाँ जाएगी न्यूट्रिनो के पास ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द बीटा स्पेक्ट्रम और सो so, टूडेज क्लास ओवर तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बीटा डी कैंडिड्स टाइप्स टाइप्स ऑफ एमिशन लाइक पॉजिट्रॉन एमिशन इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा बीटा डी डिफरेंस बिटवीन पॉजिट्रॉन एमिशन एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर बीटा पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर एंड इट्स थ्योरी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस और न्यूट्रिनो थ्योरी सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर तो थैंक यू तो आपको समझ आया होगा अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं थैंक यू